देखिए फ्रेंड्स, इसके जो तीनों पोर्शन हमारे पास तैयार है, ये इसका बैक साइड है और ये एक मैंने इसका अभी फ्रंट साइड लिया है। अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे। आपको कैसे करना है, इसका जो रॉन्ग साइड है वो बाहर को रखना है, इसका भी जो रॉन्ग साइड है वो बाहर को रखना है, और जो राइट साइड है दोनों ये बीच में होने चाहिए। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो शोल्डर है आपके, देखिए दोनों के एक तरफ होने चाहिए। ये देखिए, ये बैक साइड का शोल्डर है और ये फ्रंट साइड का शोल्डर है। शोल्डर दोनों तरफ, दोनों के एक तरफ होने चाहिए, और इसी से इसकी बटन पट्टी बीच में आ जाएगी और नेक भी इसका ये बीच में आ जाएगा। यही आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके जो राइट साइड्स हैं वो दोनों के अंदर को होने चाहिए और रॉन्ग साइड इसके दोनों के बाहर को होने चाहिए। अब हम एक जो इसका बैक साइड के साथ एक फ्रंट पेज हम इसको अभी बाइंड ऑफ करेंगे, जोड़ेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसके शोल्डर हैं दोनों के, और इधर से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। अगर आपके पास थ्रेड ना हो लगा हुआ तो आप इसमें थ्रेड लगा लीजिएगा। देखिए, इन दोनों को आपस में ऐसे रख के इकट्ठा सिलाइयों को, और एक सिलाई आपको थर्ड नीडल लेनी पड़ेगी इसको जोड़ने के लिए। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे। देखिए, इन दोनों को हम इकट्ठा बुनेंगे। एक फंदा हमारे पास हो गया, फिर एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पिछली वाली साइड से लेंगे। देखिए, दो फंदे हो गए और अब हम एक फंदे के ऊपर से ये एक फंदा निकाल लेंगे। फिर ऐसे करेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, एक पीछे से लेंगे और बुनेंगे इनको आपस में। और इसका जो फंदा है इसके ऊपर से निकाल देंगे। इसको ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है। देखिए, ये फंदा लेंगे, पिछली साइड से फंदा लेंगे, इनको बुनेंगे आपस में दोनों को, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे। देखिए, ये आपस में दोनों जो पोर्शन हैं फ्रंट और बैक आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। आपको बस वही चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने बोला है। दोनों जो शोल्डर हैं एक तरफ होने चाहिए, और एक तरफ का जो धागा है इसको बाद में हम सुई के साथ अंदर कर देंगे। ये जो दूसरे पोर्शन का धागा है ये सुई के साथ अंदर कर लेंगे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ आपको, एक यहाँ से, एक पिछली साइड से, और इनको आपस में बुनेंगे। देखिए, सिलाई के साथ ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये आपका बाइंड होना शुरू हो गया है, तो मैं इसको कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने इसको बंद कर लिया है। एक पोर्शन मैंने जो फ्रंट वाला था वो बैक के साथ ये पूरा जोड़ दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बैक के साथ एक पोर्शन बाइंड ऑफ हो चुका है। ये देखिए, इधर इसका ये शोल्डर है आगे वाले का, और ये हमारे पीछे वाले पोर्शन का शोल्डर है। और देखिए ऐसे, ये इसका नेक है आगे का और ये पोर्शन जुड़ा हुआ है। अब हम दूसरा पोर्शन इसके में जोड़ने के लिए, जितने हमारे को ये फंदे इस पोर्शन पे हैं हमारे पास, देखिए जितने फंदे ये पोर्शन पे हैं उतने फंदे पीछे बैक साइड के काउंट करके हम रख लेंगे, और बाकी फंदे हम इधर से यहाँ तक बाइंड कर देंगे। यहाँ से जितने फंदे इस पोर्शन में हैं उतने काउंट करके यहाँ तक रख लेंगे और बाकी ये बाइंड ऑफ कर देंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बीच वाले पोर्शन का जो अभी मैंने इसको वो नहीं करा है, बंद नहीं करा है, ये फंदा रखा हुआ है, बीच वाला पोर्शन जो है वो भी हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। फिर बाद में हम नेक्स्ट जो पोर्शन है आगे वाला वो इसके साथ बाइंड करेंगे। देखिए, इसको हम सीधा ऐसे करते जाएंगे बाइंड, जैसे हम निकालते हैं। देखिए, देखिए
यहाँ तक मैंने ये फ्रंट पोर्शन यहाँ पे जोड़ दिया था। बाकी के बीच के फंदे जो हैं वो हम बंद कर देंगे। ये हम जब नेक बनाएंगे तब इसमें फिर से फंदे उठाएंगे, ऐसे हमारी गले की सफाई अच्छी आएगी। ये मैं उतने फंदे बंद कर लेती हूँ, यहाँ तक मैं ये फंदे रख लूँगी जो मेरे को चाहिए होंगे दूसरे पोर्शन के लिए। बाकी फंदे मैं इसके बाइंड कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड वाला पोर्शन है और ये फ्रंट साइड वाला दूसरा पोर्शन है। इसमें भी उतने फंदे रह गए हैं और इसमें भी उतने फंदे हमने रख लिए हैं जितने हमें इसके साथ बाइंड ऑफ करने के लिए चाहिए, एक जैसे फंदे। और ये आप देखिए, इसमें भी हमारे पास जो शोल्डर हैं वो एक तरफ आने चाहिए। देखिए, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, तभी इसका जो पट्टी वाला पोर्शन है वो बीच में आएगा। और इसका भी देखिए, ये रोंग साइड है बाहर को, इसकी भी रोंग साइड है, और जो अंदर को हमारे पास आने चाहिए राइट साइड आने चाहिए। तो चलिए इसको हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये एक फंदा है हमारे पास, ये भी इसमें काउंट किया हुआ मैंने। अब वैसे ही करेंगे, एक इधर से लेंगे और एक फंदा हम इधर से लेंगे, इसको बाइंड करते चलेंगे। अब हम दोनों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, और ये फंदा इसके ऊपर से निकालेंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से। इसलिए हमारे पास जो एक जैसे फंदे होने चाहिए, देखिए इसको, ये थोड़ा हैवी हो गया, उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इधर से एक फंदा और एक फंदा इधर से, और इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको पिछला वो बताया था पहले, वैसे आपको बाइंड ऑफ करते जाना है। देखिए, मैं अभी ये कर लेती हूँ, इस पल्ले को भी आपस में जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से बाइंड ऑफ हो चुका है, इधर से भी मैंने कर दिया, ये इधर से भी कर दिया, और बीच के फंदे भी हमने बंद कर दिए। ये देखिए, इसकी ये नेक दिख रही है हमारे को, ये देखिए, ये इसकी नेक है। मैं अभी आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ये यहाँ से भी ये बाइंड ऑफ हो चुका है, ये इसकी नेक है। देखिए,